आप ऐसे कई लोगों के लिए रफ्तार का मतलब है फरारी, और आज हम आ गए हैं फरारी के शोरूम में एक बहुत ही ख़ास कार पे नज़र डालने के लिए। इसका नाम है 812 GTS और यह 50 सालों में पहली ऐसी फरारी है जो कन्वर्टेबल है और इसमें 12 सिलेंडर का इंजन है। अब यह गाड़ी इंडिया आ चुकी है, आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ ख़ास बातें। 365 GTS 4 के बाद से फरारी सीरीज प्रोडक्शन स्पाइडर में फ्रंट माउंटेड V12 आर्किटेक्चर का उपयोग नहीं किया गया है। 812 GTS एक मायने में उस कार को सलामी देती है। यहां एक बड़ा 6.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लगा है और आंकड़े आपको चौंका देंगे। ये है इस बहुत ही बड़े इंजन के आंकड़े। मैक्सिमम पावर 790 bhp, मैक्सिमम टॉर्क 718 न्यूटन मीटर्स और रेव लिमिट 8900 rpm। उस सारे टॉर्क का 80% आपको सिर्फ 3500 rpm पे मिल जाता है। और उसके बाद ये सुनिए, 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में गाड़ी को सिर्फ 2.9 सेकंड लगते हैं और टॉप स्पीड है 340 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ एक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी है जो फरारी की कारों में कम ही देखी जाती है। ये देखिए, ये है इस कार का असली जादू जब ये कन्वर्टेबल रूप अपना लेती है। इस रूफ को नीचे जाने में कुल 14 सेकंड लगते हैं और इसको आप 45 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड पे नीचे कर सकते हैं। एक बड़ा चैलेंज अगर हम माने फरारी की बात, तो ये था कि अगर आप इसको कंपेयर करें 812 सुपरफास्ट से, जो उसका कूपे वर्जन था, तो उनको इस कार में सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और सेम तरह का कैबिन कम्फर्ट चाहिए था। और अगर हम उनकी माने तो उन्होंने इस चीज़ को कामयाबी से हासिल कर लिया है। आयाम बिल्कुल 812 सुपरफास्ट जैसे ही हैं, लेकिन पीछे के व्हील आर्च ने कूपे का एरोडायनामिक बाईपास खो दिया है और फ्लैंक्स की ड्रेप्ड डिज़ाइन कार के पिछले हिस्से को छोटा दिखाती है। फरारी का कहना है कि कैबिन के अंदर शोर को कम करने पर बहुत ध्यान दिया गया है ताकि यात्री आपस में आराम से बातें कर सकें। अगर आप इस कार को शोरूम से बाहर लेके जाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो इसकी कीमत है करीब 7 करोड़ रुपए एक शोरूम। जी हाँ, आपने सही सुना, ये फरारी की सबसे महंगी कारों में से एक है। और अगर इसको आप आज बुक करते हैं तो कम से कम 6 महीने बाद ये आपके पास आएगी।